बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक 786। आज बन रहा है स्पेनिश ऑमलेट, जो कि घर में थोड़े से इज़ा के साथ आसानी से बनाया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप ऑयल ले लें और हीट को मीडियम टू लो रखना है। सबसे पहले इसमें जाएंगे 1 कप पोटैटोज़। ये साइज़ देख लें, इस तरह के साइज़ में आपने बनाना है। बहुत ना ज़्यादा मोटे होने चाहिए और ना पतले होने चाहिए, इस साइज़ के होने चाहिए। और इसको मीडियम टू लो हीट पे 3 मिनट्स के लिए हम कुक करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। 3 मिनट्स के बाद इसमें जाएगा 1/4 कप एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लें और वो ऐड कर दें। वन टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें और मिक्स कर लें। आप ढाँप दें और इसको 3 मिनट्स के लिए और थोड़ा सा कुक करते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, जस्ट 3 मिनट्स के लिए। और इसको स्टोव से उतार दें। अब 3 अंडे अलग से ले लें और इनको बीट कर लें। ये रूम टेम्परेचर पे हैं। अंडों को फेंट लें। अब आलू प्याज का मिक्सचर जो बनाया था वो भी ठंडा हो चुका है, उसको भी ऐड कर लें। साथ में इसमें जाएगा 1 टीस्पून धनिया और सब्ज़ मिर्च भी डाल दें बारीक चॉप करके। साथ में इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दें, मिक्स कर लें। और ये ब्लैक पेपर भी 1 टीस्पून जाएगी इसमें। अच्छे तरीके से सबको मिक्स कर लेंगे। ये बैटर रेडी है। अब एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ले लें और मीडियम टू लो हीट पे वो जो मिक्सचर हमने बनाया था उसका आधा मिक्सचर मैं इसमें ऐड करूँगी। आधा अभी हम बाद में करेंगे। जब आप बना रहे होंगे तो आप पूरा भी डाल सकते हैं। मैंने चूंकि इसमें चीज़ ऐड करनी है तो इस वजह से मैं हाफ हाफ में डाल रही हूँ। अच्छा, अब इसको 6 मिनट्स के लिए कवर करके रख देंगे ताकि इसकी एक साइड जो है वो पक जाए। अच्छा, अब 6 मिनट्स हो चुके हैं, अनकवर कर लें। और साथ में मोज़रेला चीज़, ये मैंने ग्रेट की है, इसको भी 1/2 कप ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से फैला दें तो ये बड़ा ही अच्छे लगता है मोज़रेला चीज़। इसमें आप ज़रूर ऐड करके देखिएगा। और ये जो बाकी का मिक्सचर था ये भी हमने चीज़ के ऊपर फैला देना। और ख्याल रहे कि आपकी जो हीट है वो मीडियम टू लो ही होनी चाहिए। और 3 मिनट्स के लिए इस तरह से कुक करेंगे। आफ्टर 3 मिनट इस तरह से एक प्लेट ऊपर रख दें जो पैन के साइज़ से थोड़ी सी बड़ी हो और फ्लिप कर दें, इसको उल्टा दें इस तरह से। और फिर इसको पैन में डाल के इसके दूसरी साइड को भी हम 6 मिनट के लिए कवर करके कुक कर देंगे। ये देखें, 6 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से ऊपर टैप कर दें। नीचे से भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी बिल्कुल, नीचे से भी कुक हो गया है
और अंदर से भी अच्छे तरीके से कुक हो गया है। 6-6 मिनट दोनों तरफ दिए हैं। चूल्हा ऑफ कर दें और इसको एक प्लेटर में सर्व कर देंगे। बहुत ही माउथ वाटरिंग है ये स्पेनिश ऑमलेट, और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। चीज़ भी इसमें मेल्ट हो गई है। मैं कट करके आपको दिखाती हूँ अंदर से। ये देखें, वाह, ये देखें, इसमें पोटैटोस भी अच्छे तरीके से गल गए हैं और चीज़ भी, ये आपको नज़र आ रही है चीज़ है, ये भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई है। और कितना अच्छा लग रहा है ये ऑमलेट, इट्स वेरी टेस्टी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। ये देखें चीज़ और ये आलू और ये प्याज और सारी चीज़ें मिक्स हो गई, कितना अच्छा एक इफ़ेक्ट दे रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें इसकी रेसिपीज़ और शेयर करें, और सब्सक्राइब कर किए बिना नहीं जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।